मंचे दौड़ दे दिले अरे अरे भाई अरे भाई वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का व्लॉग यहाँ शुरू हो रहा है ग्राउंड के पास। ये नयागढ़ का ग्राउंड है, मैं नयागढ़ आया था तो अभी एंड मोमेंट है, देख लो पहले फिर बात करते हैं। आराम से सीलन आया बैटिंग करने के लिए, अभी एक बॉल में 3 रन चाहिए, पता नहीं क्या करेगा, देखते हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है, पूरा एकदम इंटेंस सिचुएशन देख पा रहे होंगे, लोग एकदम साइड में खड़े हो चुके हैं। कम से कम 2 रन का इतने से टाई हो जाएगा मैच। सिल्लू ना ये भैया 2-3 ही होला, 3 होला, नहीं 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 ड्रॉ होला मैच ड्रॉ हो गया भाई, मैच सुपर ओवर होगा अभी भाई, मैं अभी सुपर ओवर होगा भाई 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 मैच ड्रॉ हो चुका है भाई यहाँ पे। ओ भाई सिल्लू ना बड़े दे था सिन्ना नहीं बड़े दे हाथ तू बड़े था भाई, अगर ये थोड़ा सा और ज्यादा पावर देता तो हाथ में चला जाता। अच्छा हुआ सिलन बचा लिया, अभी सुपर ओवर हो गया गाइस, सुपर ओवर। बहुत बहुत लोग एकदम एक्साइटेड होके खड़े हो चुके हैं मैच देखने के लिए और कोई बैठा हुआ नहीं है। तो अभी नयागढ़ का क्या हुआ सीन, 3 बॉल मतलब 2 बॉल में 2 रन मतलब 2-2 करके 4 रन हुआ, फिर तीसरे बॉल पे इल्लू भाई आउट हो गए, फिर चौथे बॉल पे दिनन्ना आउट हो गए, फिर भाई दिनन्ना मतलब उसका नाम दिनन्ना है तो, और फिर चौथे बॉल में दीना भाई आउट हो गए, फिर वही 4 रन में ऑल आउट हो गया टीम। तो बाकी अभी 5 रन चाहिए जुबिनल को जीतने के लिए, देखते क्या होता है। और हमारे लिए बॉलिंग करेंगे अभी राणा भाई। अभी पहले बॉल में राणा भाई ने भी विकेट ले लिया और अभी अगर एक और विकेट जाता है तो फिर खतरे में नयागढ़ जीत जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। और 5 बॉल में 5 रन चाहिए अभी। अभी कितना चाहिए, 2 बॉल में 3 रन, 2 बॉल में 3 रन चाहिए अभी भाई, अभी देखते हैं 2 बॉल में क्या होता है। मंचे दौड़ दे दिले अरे अरे भाई अरे भाई भाई से एलबी डॉल उठा कॉटा से लगा के जा दो। वेल प्लेड इलू भाई, डन डन डन। बॉल उठुनु तो कौन किधर के मिल पाऊँगा मुझे जानी पड़ेगी। यहाँ पे एक इशू हो गया गाइस, ये जो चाबी है, ये जो चाबी आपको दिखाई दे रही है खुल नहीं रहा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। और अभी क्या है, मेरे को तोड़ना भी नहीं है ये सब चाबी, अभी ये सब सीन नहीं करना, और मेरे को कल सुबह भी रिटर्न होना था तो मैं सोचा नहीं छोड़ो, अभी 6 ही बजा है बस, काम धाम सब ख़त्म हो चुका है तो घर ही निकल जाते, इससे अच्छा रहेगा। तो चलो अभी 5:50 हो रहा है, घर निकला जाए अभी। वाह यार पंडा वो कावली में आए थे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, मतलब लंच भी किया यार डिनर भी किया स्नैक्स करने। अभी मेरे को भुवनेश्वर जाना है और मेरे मौसी की लड़की की आज शादी है तो वहाँ पे भी जाना है, पहले तो नहीं जाने वाला था, मुझे लग रहा था यहाँ पे रुकना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे नहीं रुकूँगा, जा रहा हूँ तो उधर भी जाऊँगा सोच रहा हूँ,
तो वहाँ हम लोग रात के 9 बजे के आसपास पहुँच रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं पता, नहीं देखते क्या होता है। नायगढ़, आई लव नायगढ़। सो इट्स 8:55 और मैं घर आधा घंटा पहले आके पहुँच चुका था, आधा घंटा नहीं 45 मिनट्स पहले आके पहुँच चुका था। और अभी मैं एकदम फ्रेशन अप हो चुका हूँ निकलने के लिए शादी के लिए। और शादी का मतलब पूरा एंड तक तो शायद नहीं रहूँगा, बस जाके कुछ खाना पीना खा के मस्त आ जाऊँगा। मेरे साथ सौरभ भी जाएगा। और व्लॉग मैं शायद से ना बना पाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वो फैमिली का टाइम, मेरे मतलब इसके प्राइवेसी को कुछ हार्म ना पहुँचा। देखो मतलब व्लॉग तो बना तो सकते हैं, लेकिन फिर भी यार मतलब एक होता है ना फैमिली में और रिलेटिव कजिन्स, इन सब में मेरे को जितना देखते हैं, अगर कंफर्टेबल लगा तो ही जाके व्लॉग बनाएंगे, नहीं तो बस। तो अभी टाइम हो रहा है 12:46 और अभी मैं घर आके पहुंचा बस 5 मिनट पहले, चेंज वेंज कर लिया बस। फ्रेश होने के लिए मैं गया था जहाँ पे, मैंने अपना पैर में थोड़ा सा बस हल्का पानी डाला, फिर वहाँ पे इतना ठंडा लगा ना भाई, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब गाड़ी चला रहा था इतना ठंडा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी क्या सीन है अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बाकी जो 2 वीडियोज़ है मेरा, मतलब आयुष का एक बर्थडे का है और आज का ये जो मैच का व्लॉग था, जिसमें भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा तो कुछ शूट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो है जैसा है बस वही है। तो बस वो एडिट कल जाके करूँगा, फिर अपलोड धीरे धीरे कर लूँगा। मैं नेक्स्ट ट्रिप के बारे में नेक्स्ट व्लॉग में डिटेली बताऊँगा, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, सब बताऊँगा। तो फिलहाल इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी और एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।